शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सब कुछ ठीक कह देने के बाद भी पार्टी और सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। घोषणा के कुछ ही घंटे बाद एक बार फिर पार्टी में कलह के संकेत दिखे, जिनसे कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। एक तरफ जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कल क्या होगा आज नहीं कह सकते, तो दूसरी तरफ उनके बेटे विक्रमादित्य ने बागियों से मुलाकात की है। विक्रमादित्य ने पंचकुला में बागी विधायकों से मुलाकात की है। सातों नेताओं के एक साथ दिल्ली जाने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सुक्खू से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल खत्म होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार शाम सुक्खू, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य और विधायकों के साथ मीडिया के सामने आकर संकट खत्म होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी के बीच समन्वय के लिए 5 से 6 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। हालांकि इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद ऐसे संकेत मिलने लगे जिससे ये लगने लगा कि मतभेद अभी दूर नहीं हो पाए हैं। प्रतिभा सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं पता कल या भविष्य में क्या होगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका फैसला कुछ घंटों या एक दिन के अंदर नहीं हो सका। अपने और पिता के अपमान का आरोप लगाकर मीडिया के सामने रो चुके विक्रमादित्य भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने पंचकुला में जाकर बागी विधायकों से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर मतदान के दौरान सदन में अनुपस्थित रहने पर कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में से एक ने कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं। हिमाचल कांग्रेस और सरकार में संकट उस वक्त उत्पन्न हो गया जब राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। 3 निर्दलीय विधायकों के भी भाजपा के साथ आ जाने की वजह से भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हो गई, जबकि अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। इसके बाद भाजपा का दावा है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है।